हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सत्तू की खस्ता कचौड़ी बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है। एक बार ट्राई करके देखे बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। आधा कप सत्तू, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच अजवाइन मंगरेला, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लहसुन अदरक, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट। इन सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। आधा छोटा चम्मच अचार का मसाला, एक छोटा चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच नींबू का रस मिक्स करेंगे। इन सामग्रियों को मिक्स करेंगे। एक चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। इन सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। सत्तू का मिक्सर रेडी हो गया है। एक कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइन तेल दो बड़े चम्मच, मिक्स करेंगे तेल को मैदा के साथ। मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, मैदे को घोलेंगे। मैदे को टाइट गूंदेंगे। मैदे को हमने मसल मसल कर गूंद लिया है और एक टाइट डो बनाए हैं।
दो रेडी हो गया है। अब मैदे से छोटे छोटे लोई बनाएंगे। लोई बना लिए हैं, एक लोई लेंगे, लोई से पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बना लिए हैं, पेड़ा से कटोरी बनाएंगे। कटोरी बना लिए हैं। अब सत्तू का मिश्रण डालेंगे एक चम्मच। सत्तू का मिश्रण डाल दिए हैं। अब इसे हल्का दबाएंगे। फिलिंग करेंगे। फिलिंग कर रही है। अब इसे हल्का दबाएंगे। कचौड़ी रेडी हो गया है। कचौड़ी बन गया है। इसी तरह एक लोई लेंगे, लोई से पेड़ा बना लिए हैं। कटोरी बनाएंगे। कटोरी बना लिए हैं। सत्तू का मिश्रण डालेंगे। इसी तरह एक लोई लेंगे, लोई से पेड़ा बना लिए हैं। कटोरी बनाएंगे। कटोरी बना लिए हैं। सत्तू का मिश्रण डालेंगे। अब इसे हल्का दबाएंगे सत्तू का मिश्रण को। अब इसे फिलिंग करेंगे। फिलिंग कर लिए हैं। अब इसे हल्का दबाएंगे। हल्का दबा लिए हैं। सत्तू कचौड़ी को हमने फिलिंग कर लिए हैं। तेल गरम हो गया है। कचौड़ी को तेल में डालेंगे।
कचौड़ी को पलटेंगे। कचौड़ी को मीडियम आंच में सेके हैं और इसे प्लेट में रखें। कचौड़ी को तेल में डीप फ्राई करेंगे, मीडियम आंच में कचौड़ी को डीप फ्राई करेंगे। कचौड़ी को दो बैच में डीप फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे। फ्लेम को हाई कर लिए हैं, तेल को गर्म करेंगे। हाई फ्लेम में फिर से कचौड़ी को दोबारा सेकेंगे। कचौड़ी को तेल में डालेंगे, कचौड़ी को तेल में दोबारा डालेंगे। कचौड़ी को दोबारा हाई फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे। कचौड़ी को पलटेंगे। सारे कचौड़ी फूल गए हैं, दोबारा डीप फ्राई किए हैं और इसे पानी में रखें। दोबारा कचौड़ी जो डीप फ्राई किए हैं वो पक चुका है, फूल गया है और इसे प्लेट में रखेंगे।